सो गाइस, मैं आपका दोस्त मुर्शिद राज वापस आ गया टिकटॉक की एक और जबरदस्त वीएफएक्स वीडियो की एडिटिंग को लेकर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में इस तरह के वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि टिकटॉक पे ये वीडियो काफी ट्रेंड में चल रहा है और ये वीडियो बनाना बिल्कुल आसान है, किसी को बेवकूफ बनाने से भी आसान है इस वीडियो को बनाना। सो इस वीडियो को कैसे बनाते हैं, चलो सीधे पॉइंट पे आते हैं कि इस वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज की जरूरत होगी। सो इसे बनाने के लिए आपको एक छोटा सा क्लिप को शूट करना होगा अपने कैमरे, कुछ इस तरह से एक्टिंग करना आपको हिलते हुए और कैमरे में सट जाना है। ज्यादा नहीं, 3 सेकंड का ही वीडियो शूट करना है। उसके बाद आपको मैंने लड़के का एक फुटेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आपको डाउनलोड करना है। और एक साउंड दिया हुआ है टाइगर का, वो भी आपको डाउनलोड करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद सिंपली आपको चलना है काइनमास्टर एप्लीकेशन पे और वीडियो की एडिटिंग को स्टार्ट करना है। काइनमास्टर एप्लीकेशन पे आने के बाद आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो लेना है और यहाँ मीडिया पे क्लिक करके अपने वाले वीडियो को लेना है, जिस वीडियो को आपने शूट किया होगा। तो हम यहाँ पे अपने वाले वीडियो को ले लेते हैं। फिर वीडियो पे क्लिक करना है, इस साउंड पे क्लिक करना है और इस साउंड पे क्लिक करके अपने वीडियो के बैकग्राउंड साउंड को ऑफ कर देना है, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में कोई साउंड होगा। फिर गाइज, आपको उस पोजीशन पे जाना है जहाँ पे कि आप कैमरा में सटने वाले हो, देखो इस पोजीशन पे, ठीक है। और अपने वाले इस वीडियो पे क्लिक करो, कैंची पे क्लिक करो और ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड कर दो। फिर से आपको मीडिया पे क्लिक करना है और इस बार टाइगर वाले लड़के का फुटेज लेना है, तो यहाँ पे हम उसे ले लेते हैं और ओके। फिर गाइज, आपको क्या करना है कि ये जो इफेक्ट का बॉक्स नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक क्लासिक इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको कर देना है यहाँ 2 सेकेंड के पास करीब, ठीक है। और फिर से इस वीडियो के शुरू में आना है, अपने वीडियो के ऑडियो पे क्लिक करना और मैंने जो ऑडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, आपने डाउनलोड किया होगा, उस ऑडियो को यहाँ पे लेना है। तो हम टाइगर VFX वाले को इस ले लेते हैं साउंड को और प्लस कर देते हैं। और गाइज, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इस साउंड का लास्ट पोजीशन और इस टाइगर वाले लड़के का लास्ट पोजीशन सेम होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि साउंड पे हाथ को दबा के रखना है, मोबाइल थोड़ा सा वाइब्रेट होगा, फिर इधर की तरफ खिसकाओगे तो ये भी खिसकने लगेगा, तो इस वीडियो के बराबर में आपको साउंड कर देना है। तो देखो यहाँ पे आपका वीडियो जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि इसके बराबर भी इधर होना चाहिए। तो इस साउंड के शुरू में आओ, अपने वीडियो पे क्लिक करो, कैंची पे क्लिक करो और ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेहेड कर दो, ठीक है। अब गाइस, फिर से एक बार साउंड पे हाथ को दबा के रखो और इधर की तरफ खिसका दो, बस हो गया वीडियो कंप्लीट। अब प्ले करोगे तो कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। तो देखो कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा, पूरा रियल लगेगा कि आप ही जो है ये टाइगर बन चुके हो, तो कितना कमाल लगता है। फिर आपको क्या करना है कि इस वाले गियर पे क्लिक करना है और ऑडियो फेड आउट को ऑफ करके ओके करना है और इसे अपने मेमोरी कार्ड में एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए इस शेयर वाले आइकन पे क्लिक करो और यहाँ से 720p 30 सेलेक्ट करके यहाँ से कर लो एक्सपोर्ट। जैसे ही एक्सपोर्ट हो जाता है, आपको मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ पे जाना है या मेरे टिकटॉक ID पे जाना है और मैंने ये वीडियो को पोस्ट करके रखा है, उस वीडियो के नीचे देखो ऐसा साउंड नज़र आएगा, उस साउंड पे क्लिक करना, यूज दिस साउंड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे आपका कैमरा ओपन होगा, यहाँ अपलोड का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना और आपने जो वीडियो बनाया होगा आपको फर्स्ट में ही मिल जाएगा, तो वीडियो पे एक बार क्लिक करना है। फिर कुछ इस तरह से आपका वीडियो आएगा, यहाँ नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे ही कर दोगे आपको डबल साउंड सुनाई देगा, तो इस वॉल्यूम पे क्लिक करना, ओरिजिनल साउंड को ऑफ कर देना, साउंड ट्रैक को फुल कर देना और ओके, ठीक है। यहाँ से आप चाहे तो कोई इफेक्ट डाल सकते हो, जैसे कि बेसिकली ये इफेक्ट काफ़ी चलता है, ये लीक वाला, ऐसे दबा के रखोगे हाथ को तो चारों तरफ रेड एक लाइन घूमेगा, वो लाइट घूमता है, देख सकते हो। तो ऐसे हाथ को दबा के रखना, काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। फिर आपको यहाँ सेव करना है, फिर आपको गाइज यहाँ से नेक्स्ट करना है और यहाँ पर सबसे बड़ा कमाल है, सेलेक्ट कवर पर क्लिक करना और इस कवर को आपको यहाँ वाला लगाना है, ये जो टाइगर वाला लड़का है ना, यहाँ का सीन आपको लगाना है ऐसे और ओके करना है, देख सकते हो। फिर यहाँ पे आपको लिख देना है न्यू ट्रेंड VFX, ऐसे कुछ लिख के ये सब हैशटैग वगैरह आपको लगा के और यहाँ फ्रेंड पे क्लिक करके मुझे भी मेंशन कर देना, ताकि मैं आपके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकूँ। फिर यहाँ पे देखो सेव टू एल्बम, चाहे तो ये तीनों को ऑन रखना आप, यहाँ पे पब्लिक रखना और सिंपली आपको पोस्ट कर देना है। पोस्ट जैसे ही कर दोगे ये आग की तरह वायरल होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारे लाइक्स, फैंस एंड कमेंट्स आपको मिलेंगे।
सो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरा सभी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ना, क्योंकि इस तरह की हर रोज इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होती है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो गाइस मिलते हैं इस तरह के किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक्स।